देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में किसान आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सीएम कमलनाथ सरकार का पुतला फूंका गया। देवास नगर निगम कार्यालय के सामने जहां सांसद महेंद्र सोलंकी, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी सहित विधायक गायत्री राजे पवार मौजूद रहीं। यहां मंच पर संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि देवास कलेक्ट्रेट और एसपी कांग्रेसी कार्यकर्ता है और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर किस तरह से केस लगाया गया है यह मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के कहने पर किया गया है। सज्जन सिंह वर्मा द्वारा ट्रांसफर कराए जा रहे हैं और पैसा लिया जा रहा है। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई, जहां हाथों में मुख्यमंत्री का पुतला लेते हुए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 होने के बाद भी मुख्यमंत्री का पुतला जला दिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं बिजली के बिलों को भी जलाया गया। कर्ज माफी करो वरना सत्ता छोड़ो, भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर सांसद के साथ मौजूद रहे। देवास आज पहुंचे हैं आप, क्या कुछ आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई थी कलेक्टर कार्यालय में, पुतला फूंका गया, क्या पूरा मामला? सरकार को जागृत करना, सरकार समझे किसानों के दर्द को, समझे उनके आक्रोश को समझे, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज किसान आक्रोश रैली के रूप में और ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। हमारी मांग यही है कि भाई आप मुआवजा दीजिए, आप किसानों को डीलर दीजिए, आप किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, उस वादे के आधार पर आप सरकार में आए, आपने फार्म भरवाए थे, वचन पत्र भरवाए थे, आखिर ये सब एक साल हो गया, नवंबर में चुनाव हुए थे, अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे और झूठ बोलते जा रहे हैं, और इसीलिए ये किसानों की मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ आए हैं, ताकि कलेक्टर ये रिपोर्ट दे कि भाई जनता में आक्रोश है और लोगों को, किसानों को राहत देनी चाहिए। आज किसका पुतला जलाया, अभी जो पुतला लेकर भी पुतला किसका होगा, प्रदेश का और कौन होगा, किसका है प्रदेश का मुखिया और कौन होगा, उसी का किसका जलेगा पुतला, पुतला उनके ही जलना है, गली गली में जलेंगे थोड़े दिन बाद। तो यदि यही हालत बिजली बिल भी उस पुतले के साथ, बिजली के बिल जो इतने इतने बड़े बड़े बिल दिए, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार आ रहे, 30 हज़ार, 40, ये जो सारे आ रहे हैं किसानों को और सब आम आदमी को, गरीब आदमी को, उनके भी होली जलाई कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है, मेरे 200 रुपये में बिजली मिल रही थी, आज इतने इतने 1000 रुपये के बिल आप दे रहे हो, आज गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, इसको समझने को तैयार नहीं सरकार का कोई मंत्री, नहीं सिर्फ झूठ बोलता है, हमने माफ़ कर दिया, हमने माफ़ कर दिया, कहा है भाई मैं खुद किसान हूँ, मैंने 3 लाख रुपये भरा, मेरे लिमिट है, मैंने पैसा जमा कराया। कांग्रेस के बड़े लीडर भी जो है सरकार को कहीं ना कहीं बयानबाजी में घेर रहे हैं लगातार किसानों की कर्ज माफी को लेकर, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार को दोषी बता रहे हैं। केंद्र सरकार कैसे दोषी है बताइए आप, केंद्र सरकार के भरोसे आए थे क्या? क्या आपने घोषणा पत्र में ये बोला था कि केंद्र सरकार पैसा देगी तब हम माफ करेंगे? आपने वचन पत्र भराए थे और 10 की गिनती बोली थी कि इसके बाद हम तत्काल माफ करेंगे, आज केंद्र सरकार कहाँ आती है पिक्चर में? और सबसे बड़ी बात है, आप आपकी अर्शपूजी आपको जमा कराओ, आप बीमे की राशि जमा कराओ, आपने एक पैसा, एक भी मुआवजा, एक नया पैसा नहीं दिया, किस आधार पे आप केंद्र से मांगोगे? केंद्र में जो होता है इस प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा, उसके लिए कमेटी होती है, उसके लिए सारा सिस्टम बना, और कांग्रेस के ज़माने का बना, कोई हमारे ज़माने का नहीं है, वो सारी प्रक्रिया का पालन होगा, जो जो मिलता है, जो आपके उसका होगा, वो बराबर हर राज्य का मिलता है। जिस परिसर में गड़े 144 लागू है, पुतला दहन किया गया, जमकर यार, हमने क्या 76 साल के हो गए और कितने साल रखना है, रख ले, चिंता नहीं कर। क्या कहना आपका? देखिए, एक सरकारी अधिकारी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकता। जिस प्रकार से एसपी और कलेक्टर राजनीतिक कार्यक्रमों में लगातार जा रहे हैं, वो सज्जन वर्मा जैसा कांग्रेस का दलाल जो आज ICH पर बैठकर यहाँ पर दलाली करता है और पूरी सरकार को जो है उसकी दलाली कर रहा है, हर चीज़ की दलाली यहाँ पर बैठ के सज्जन वर्मा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ लगातार घूमना, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना और लगातार उनकी चरण वंदना करना, इस बात को दर्शित करता है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बन चुके हैं और मन में भी उनके कांग्रेस बसी हुई है। अच्छा, कल आपके खिलाफ हुई FIR के बाद आज जो भाजपा एकजुट होकर सड़क पर उतरी है, क्या मानना है? किसान आंदोलन तो अलग रहेगा और आपको लेकर ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित शोषित के लिए लड़ती है। एक पीड़ित व्यक्ति ने यदि मुझे पुकार लगाई और मैं मौके पर चला गया तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने दीवार को हाथ तक नहीं लगाया, दीवार मेरे द्वारा नहीं तोड़ी गई, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है और मेरी आवाज़ को दबाने के लिए झूठा मुकदमा लगाया है, वो मुझ पर 100 मुकदमे भी लगा देंगे तब भी मैं गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित होकर। क्या लगता है आज पूरी भाजपा इसी को लेकर आक्रोशित भी? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करती रही है
आज भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर लगे मुकदमे के लिए आक्रोशित नहीं है, बल्कि इन्होंने जो किसानों से 2 लाख रुपया कर्ज माफी की बात कही थी उसके लिए आक्रोशित है। उन्होंने हमारे शासनकाल में 200 रुपये में बिजली दी जाती थी, आज 40-40 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। एक अहम और आखिरी सवाल, कल आपने खुली चुनौती दी थी पुलिस को कि मैं यहाँ पर हूँ, पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, आज आपने कलेक्टर कार्यालय में आके पुतला दहन किया पुलिस मुख्यदर्शक की। आज भी मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक राष्ट्रवादी होने के नाते महेंद्र सोलंकी देवास में ही है। अच्छा, अंतिम समाप्तता है कि उन्हें मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें, मैं उन्हें सहयोग भी करूंगा पूरा। मैं कानून के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इनसे लड़ाई लड़ूं। पुतला किसका जलाया था सांसद जी, आज ये बताइए। स्वाभाविक रूप से प्रदेश के मुखिया का, जो प्रदेश का मुखिया है उसका पुतला जला है। पूरे घर गली गली में जलेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जलेंगे, तहसील तहसील में जलेंगे, जिले जिले में जलेंगे और पूरे प्रदेश में जलेंगे। क्या लग रहा है, पुलिस डर गई, गिरफ्तार नहीं कर पा रही आपको? एक्चुअल क्या है कि वो FIR करने के बाद वो FIR चूंकि झूठी है, FIR पढ़ने भर से ये प्रतीत होता है, एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को यदि FIR दे दे तो वो भी इस बात को समझ जाएगा कि असत्य FIR सांसद के विरुद्ध लेखबद्ध की गई है। ऐसी स्थिति में वो FIR खुद जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की गले की हड्डी बन गई है। मैं बहुत जल्दी हाईकोर्ट जाऊंगा और जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक इन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई की है इसके लिए मैं हाईकोर्ट से निवेदन करूंगा कि SP कलेक्टर पर ये मुकदमा चलाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।